जी वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम दो ऐसे मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए किसी भी तरह के एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर वन पे हमारे पास है सेट टाइम आउट। अब इसका सिंटैक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सेट इंटरवल का था। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मान लीजिए अगर हमने सेट इंटरवल में टाइम सेट किया था 1 सेकेंड, तो हर 1 सेकेंड के बाद उसका फंक्शन कॉल होता था बार बार। जैसे 1 सेकेंड मुकम्मल हुआ उसका फंक्शन कॉल होता था, फिर 1 सेकेंड मुकम्मल होता था फिर उसका फंक्शन कॉल होता था। सेट टाइम आउट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखिए, इसमें भी हम एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और साथ में हम मिली सेकेंड में टाइम बताते हैं। दोबारा से मैं रिवाइज करता जाऊँ यहाँ पे कि 1 सेकेंड जो होता है वो 1000 मिली सेकेंड के इक्वल होता है। तो अगर आपने यहाँ पर 1 सेकेंड लिखना है तो आपको लिखना होगा 1000, वो 1 सेकेंड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप 1 सेकेंड टाइम लिखते हैं तो 1 सेकेंड के बाद ये फंक्शन कॉल होगा, लेकिन सिर्फ एक बार ही कॉल होगा। सेट इंटरवल में ऐसा नहीं होता, सेट इंटरवल बार बार कॉल होता रहता है, सेट टाइम आउट सिर्फ एक बार कॉल होगा। इसी तरह इस सेट टाइम आउट को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लियर टाइम आउट का। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जी तो हम आ चुके हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। अब ये वही कोड है जो कि हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। यहाँ पर देखिए, हमने एक डिव क्रिएट किया हुआ है, इसे हमने ID दी हुई है बॉक्स, और साथ में हमने इसे कुछ स्टाइल दिया है ताकि एक बॉक्स की शेप में आ जाए। तो इसका आउटपुट फिलहाल कुछ इस तरह का है। अब हमने क्या करना है, उन दो मेथड्स को यूज़ करते हुए इसे एनिमेट करना है। तो हम जाएंगे अपनी JS फाइल में, ये रही, और यहाँ पर पहला मेथड था सेट टाइम आउट, उसको यूज़ करते हैं। तो सेट टाइम आउट, अब इसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते हैं। पहला पैरामीटर होता है हमारा कोई भी फंक्शन, तो फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ एनिमेट, आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमें बताना होता है टाइम कि कितने टाइम के बाद इस फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पर टाइम मैं सेट कर देता हूँ 2 सेकेंड्स, तो मुझे लिखना होगा 2000, क्योंकि यहाँ पर टाइम मिली सेकेंड में होता है, और 1000 मिली सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। चले जी, अब यहाँ पर हमने जो फंक्शन लिखा एनिमेट, हमने इसे डिफाइन भी करना है। तो हम यूज करेंगे फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस, और फिर फंक्शन की बॉडी। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको कंसोल में आउटपुट करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो ये काम किस तरह से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कंसोल, कंसोल को यूज़ करने हमने console.log, और यहाँ पर हम आउटपुट में देखना चाहते हैं कोड नेटवर्क। चले जी, इतना हो गया, इसे टर्मिनेट करते हैं। यहाँ पर आके आपने राइट क्लिक कर लें, इंस्पेक्ट में जाए, कंसोल। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ठीक 2 सेकंड्स के बाद यहाँ पर हमें कंसोल में नजर आएगा कोड नेटवर्क। इसे रिफ्रेश करते हैं, 1 2, और यहाँ पर देखिए हमारे पास कोड नेटवर्क यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है। अब यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है कि सेट टाइम आउट में क्या हो रहा है, फंक्शन सिर्फ एक बार कॉल हो रहा है, और सेट इंटरवल जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसके अंदर बार बार फंक्शन कॉल हो रहा था और एक ही स्टेटमेंट बार बार प्रिंट हो रही थी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। चलिए दोबारा चलते हैं अपने कोड में। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा एनिमेट करके देखते हैं, इसकी विड्थ चेंज करते हैं या हाइट चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसे गेट करना होगा, तो मैं कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट, हम वेरिएबल का नाम सेट कर देते हैं ए। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर हमने ID दी थी अपने डिव को बॉक्स, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे और इसे कर देंगे टर्मिनेट। इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ए के अंदर जो हमारा डिव है इस वेरिएबल में आ चुका है ना, उसको हमने करना है स्टाइल। क्या स्टाइल करना चाहते हैं हम, उसकी विड्थ को स्टाइल करना चाहते हैं, और उसकी विड्थ को हम करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स कर देते हैं, 300 पिक्सल्स। चलिए जैसे टर्मिनेट करते हैं, सेव करते हैं, दोबारा से चलते हैं अपने ब्राउजर में। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, 2 सेकेंड के बाद इस बॉक्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, 1 2, और यहाँ पर देखिए इसका साइज जो है, उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरह से आप चाहे तो इसकी हाइट को भी कर सकते हैं सिंपल। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइट का पैरामीटर यूज करेंगे, सेव करते हैं, दोबारा से इसे रिफ्रेश करें तो 2 सेकंड के बाद इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होगी। देखिए जैसे ही 2 सेकंड मुकम्मल हुए इसकी हाइट इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर ये तो हमारा काम हो गया। अब दूसरे नंबर पे हमारा काम होता है कि हम चाहते हैं कि हम इसे स्टॉप कर दें या रोक दें, तो उसे रोकने के लिए भी हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं क्लियर टाइम आउट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो हमारा सेट टाइम आउट है इसे किसी वेरिएबल में रखना होगा। तो हम कॉन्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं, नाम इसे दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल वेल, कुछ भी नाम दे दें।
अब इसके बाद हम यूज करेंगे क्लियर टाइम आउट। उसके लिए ना मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आके ना हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं बटन, और इस बटन को ना हम आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल BTN, और यहाँ पर लिख देते हैं स्टॉप, कि अगर आप एनिमेशन को स्टॉप करना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक करें। इसके साथ साथ हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक इवेंट लिसनर का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑन क्लिक इवेंट लिसनर, और फंक्शन हम इसमें लिख देते हैं स्टॉप। अभी हमने ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया, इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट में जाके, इसे सेव कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में आ गए तो वही फंक्शन हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, फंक्शन का नाम था स्टॉप, चलिए ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी बॉडी में जाके अभी इसे डिफाइन करना है। अब हमारा ये जो सेट टाइम आउट था, ये हमने रखा हुआ है इस वैल नाम के वेरिएबल के अंदर, तो सिंपल हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर आए, हमने क्लियर टाइम आउट को यूज़ करना है, और उसके बाद इन पैरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल को रख देना है जिसमें हमने उस सेट टाइम आउट को स्टोर किया था। और यहाँ पर टाइम जो है ना, इसे थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, 5 सेकेंड कर देते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही 5 सेकेंड मुकम्मल होंगे, इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। 5 सेकेंड मुकम्मल हुए, देखिए हाइट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। अब हमने ये जो बटन बनाया था, इसका क्या काम है कि अगर 5 सेकेंड से पहले इस बटन को हम क्लिक कर दें तो ये एनिमेशन स्टॉप हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। इसे रिफ्रेश करते हैं और 5 सेकेंड मुकम्मल होने से पहले इसे क्लिक करते हैं। चलिए इसे क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए 5 सेकेंड मुकम्मल हो चुके हैं और एनिमेशन जो है वो नहीं हुआ, मतलब वो स्टॉप हो चुका है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं सेट टाइम आउट को और क्लियर टाइम आउट को, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पर विड्थ का यूज़ किया, हाइट का यूज़ किया, आप चाहें तो मार्जिन लेफ्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन टॉप को भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के एनिमेशन होती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।